11 साल तो खा रहे थे और सब तो ये रिपोर्ट है। अच्छा, द प्राइस पॉइंट एंड फॉर द वे दे सर्विंग अमेजिंग यार, गुड स्टफ। छह बजे के बाद मजा आ जाए शाम को, वो आपको पता ही, मैं क्यों कह रहा हूँ। थ्री टू वन। आई होप एवरीवन्स डूइंग ग्रेट। माय नेम इज सौरव एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बारी। आज मैं हूँ वेस्ट दिल्ली में, कहाँ पे? सुभाष नगर पे। जिस जगह पे आज मैं हूँ, इस जगह का नाम है नरेंद्र चिकन एंड फिश पॉइंट। यहाँ पे ना एक कार्ट लगी हुई है जो बहुत जगमगा रही है, मतलब यहाँ पे ना दबा के चिकन स्क्यूअर्स लगे हुए हैं, सीख कबाब वगैरह सब कुछ दबा के लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ के ओनर साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा क्या क्या स्पेशलिटी है, कह रहे यहाँ पे मिलते हैं फुल ऑन स्टार्टर्स। मैंने कहा क्या क्या, कह रहे चिकन टिक्का खाओ, चिकन मलाई टिक्का खाओ, हमारी तंगड़ी खाओ, इसके अलावा कह रहे हम मच्छी देते हैं जिसको हम अंगीठी पे भी देते हैं बना के और साथ साथ फ्राई करके भी देते हैं। मतलब यार ना शाम वाला कहाँ है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, फुल ऑन नॉन वेज स्टार्टर्स। अच्छा, करना क्या, ओनर साहब से मिलना है, यही सब चीज़ें ऑर्डर करनी है, उसके बाद देखना कैसे प्रिपेयर करें, फाइनली क्या करना है रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, थोड़ा झिंटा काम हो रहा है यहाँ पे, चले लेट्स गो गाइस। ये जगह की लुक एंड फील है, ये स्टॉल लगा हुआ है बिल्कुल छतरी वाला पार्क है, यहाँ पे ये स्टॉल लगे, सारे स्क्यूवर्स देख रहे हो पूरी लाइट सेकर के साथ। यहाँ पे इनकी अंगीठी है, पीछे की तरफ चलते हैं। टेबल उधर लगे भाई, क्या हाल भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाई सर। भाई जी राजा हैं, करता धरता जो काट को संभाल रहे हैं, कैसे भैया? बढ़िया भैया जी। अच्छा, क्या खिलाने वाले हो आप? जो ऑर्डर करो वो खिलाएंगे आपको हम स्पेशल। जो एक काम करो, जो पहले बताया था चिकन टिक्का, हाँ जी, एक मलाई टिक्का, हाँ जी, एक कर देना ये मच्छी फ्राई वाली, हाँ जी, ठीक है, सुरमई करने वाली, ठीक है जी, और साथ में करो मेरी अंगीठी में मच्छी रोस्टेड वाली, और सर ठीक है, और साथ में चिकन लाइट का तंगड़ी भी कर देना। तंगड़ी कौन सी खिलाओगे, मलाई या वो वाली रोस्टेड? जो सी मर्जी खाने पसंद करेंगे आप, मलाई वाली कर देना, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मेरे को आप पहले फिश लगा रहे हो? हाँ जी। ये कौन सी फिश है? सुरमई। किस तरह मिलती है फिश? ये 200 रुपये पाव सर। 200 रुपये की 250 ग्राम है, बहुत बढ़िया, लगाओ जी। अरे वाह यार, तुम्हें बड़ा आइडिया है, एक बार में कर लिया। अच्छा, एक बात बताओ, वैसे पूछ रहा हूँ, पीसेस कर रहे हो, चाहे तो आदमी बड़ा पीस भी करवा सकता है अपने हिसाब से। हाँ, वो अपने हिसाब से जैसे मर्जी करवाए। अच्छा ठीक है, ये मसाला लगा रहे हो आप? हाँ जी सर। आप इसको तलो भैया, मुझको बुला लेना जब हो जाए। हाँ जी सर। तब तक मैं जरा वहाँ पे देख लूँ तंदूरी आइटम है। हाँ जी भैया, मैंने एक चिकन टिक्का बोला है, मलाई टिक्का बोला है और तंगड़ी बोली है, तो लगवा दो प्लीज़। गाइस यहाँ पे आया हूँ मैं, इन्होंने मेरा ऑर्डर लगा दिया ऑलरेडी, ये हो गया चिकन मलाई टिक्का, चिकन टिक्का तंगड़ी, तंगड़ी ये वाली लगाई आपने, चलो कोई नहीं, ठीक है। और ये क्या है, मच्छी, कितने पीस आते हैं इसमें? 5 पीस। ये कौन सी मच्छी है, सुरमई बासा? सुरमई। गाइस वापस एक मिनट में आ गया मैं। हाँ जी। अरे वाह, एक मिनट ठहरो, हो गई है डन? नहीं अभी हाफ डन है। हाफ डन है, हाँ जी, चलो वापस डालो फिर, हाफ डन है। तो आपको कौन सी पसंद है, सुरमई बासा? हमारे यहाँ पे दोनों मच्छी बेस्ट है। अच्छा, मैं सुरमई वाला हूँ यार थोड़ा। हो गई? हाँ बस, हो गई भैया। 60 रुपये ना, 40 रुपये। अच्छा, ये नींबू वाला काम हो रहा है, तो इसमें आपने चाट मसाला डाला और नींबू डाला? चाट मसाला और नींबू। हो गया जी? हाँ जी, ये हो गई हमारी। इसमें तो मेन दिखाने वाला सीन यही है कि लाइव अंगीठी में फ्रेश बन रहा है। हर रोज मैरिनेट करते हो खाना ये? हाँ जी सर। डेली होता है? हाँ जी डेली। अच्छा, ये क्या तंगड़ी ना? हाँ जी। ये कौन सा बन रहा है? ये मलाई, मलाई तंगड़ी। तो इसमें भी क्रीम वगैरह डालोगे? हाँ जी सर, ये बटर है उनका। क्रीम कम नहीं डाली, मजाक करो यार। ये वाला काम तो मेरे ख्याल मलाई टिक्के पे भी होगा। हाँ जी सर, सेम वाला है ना? हाँ जी।
अच्छा, ये स्लिट्स मार रहे हो ताकि अंदर से पके प्रॉपरली। हाँ जी सर। हैं? हाँ जी। ये मक्खन लगाया जा रहा है? हाँ जी सर। अमूल बटर यूज करते हो? हाँ जी। जस्ट फॉर नॉलेज। हाँ अमूल। सो गाइस, पंजाब की डेट बहुत क्लोज आ रही है, मतलब 19 तारीख को या 20 तारीख को मैं निकल रहा हूँ। उससे पहले ना दबा के व्लॉग्स बना रहा हूँ ताकि जब मैं वहाँ ट्रैवल करूँ ना तो पीछे से व्लॉग डलते रहें, समझ रहे हो? मतलब आपको इसलिए बता रहा हूँ ओनली बिकॉज पैक तैयारी है। मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ आजकल, ज़्यादा शूट कर रहा हूँ, तैयार रहना पंजाब के लिए, देखते हैं क्या है। अमृतसर इज़ नोन फॉर इट्स फूड मैन एंड स्पेशली देसी की फूड। वेरी एक्साइटेड यार। भैया तंगड़ी की एक प्लेट में कितनी आती है? दो चार आएंगे। एक प्लेट चार फूल चार होती है। कितने रुपये की होती है तंगड़ी? 160 के चार पीस। 160 के चार पीस। और चिकन टिक्का? चिकन टिक्का 150 रुपये प्लेट। 150 आठ पीस। 10 पीस। और थाई बोनलेस यूज कर रहे हो? हाँ थाई। थाई बोनलेस है। मलाई टिक्का हो गया? हाँ जी। अच्छा, इसका भी वही सेम ट्रीटमेंट जो हमने तंगड़ी वाला देखा था। हरी मिर्च, धनिया, और ये चिकन टिक्का भी डन हो गया। हो गया जी। थैंक यू। सकाल बाजी कैसे हैं? सकाल जी वधिया, तू सुनाओ। गुड गुड, थैंक यू। सॉरी खा रहे थे, डिस्टर्ब नहीं किया तनु। क्या रिपोर्ट है खाने की? अरे बहुत वधिया, एक नंबर। हां मजा आ गया। की खाया तुसी? आपा चिकन टिक्का रोल। चिकन टिक्का रोल जी, मलाई चिकन टिक्का रोल। रेगुलर कस्टमर हो इथे? हां जी आंदे रहने हैं जी। की फेवरेट हैगा? टिक्का रोल ही खा लीजा हर बारी आके। चलो अच्छी गल है, मैं ट्राई करता। थैंक यू पाजी। अच्छा, ये अंगीठी पे इसलिए रखते हो ताकि गर्म ही रहे? हां जी सर। इसमें तो मक्खन और चाट मसाला जाएगा जो मच्छी में किया आपने। एक मलाई टिक्का रोल। आपका क्या रेट है? 80 रुपए की दो। अरे भाई 40 का पीस है, मोटी मोटी बात ही है। इस मोटा मोटा ना ट्रीटमेंट इज सेम फॉर एवरीथिंग यार। सो इफ यू हैविंग तंदूरी आइटम है, दिल पुट चाट नींबू और मक्खन, और जो मलाई टिक्के का हिसाब है उसमें क्रीम कोरिएंडर वगैरह डाल के ना पूरा मछी सा खाना जैसे हो जाता है। सो ये सीन है। अच्छा, मच्छी का अच्छी बात है कि आई एम वेरी हैप्पी इन्होंने ना फ्राई वाला सीन रखा है, सो पीपल कैन गेट वैरायटी यार। और अगर अंगीठी वाला नहीं खाना, ग्रिल वाला नहीं खाना तो तलने से काम हो जाए। हैं? अब ये खाना लगाते दिखाता हूँ। अंकल भाजी जी। अच्छा सॉरी, तुम परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं परेशान कोई नहीं है। मैं की रिपोर्ट है की खाने की? मैं 11 साल तो खा रहा थे तो सब तो वधिया रिपोर्ट है। अच्छा, पैसे के हिसाब नाल भी और क्वालिटी भी? हाँ सब तो वधिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू पाजी। ऑलराइट गाइस, द फूड्स हियर। अच्छी बात है क्या? द क्राउड इज गैदरिंग अप, सब खुले दिल से खा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज द प्राइसिंग इज रीजनेबल एंड आई रियली लाइक दैट यार। एनीवे, सो चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, सुरमई फिश जो फ्राई हुई है, साथ में हमने ली है सुरमई फिश जो अंगीठे पे थी, मलाई तंगड़ी एंड साथ में चिकन तंगड़ी विद सम कॉन्डिमेंट्स लाइक चटनी एंड प्याज। पानी रहेगा कैसे आ रहे मुँह में? दिस काइंड ऑफ फूड इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग इज ओनली बिकॉज आपको पता है जितना खा लो पेट नहीं भरता एंड कहीं ना रूटीन है यार। थोड़ा ऑब्वियसली मक्खन वगैरह डलता है, अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी यार। एनीवे, ट्राई करते हैं चिकन टिक्का से। श्वेता देख लो एक बार आके। गाइस ये चिकन टिक्का है, इनके हिसाब से लोग थाई बोनलेस यूज करते हैं, खा के देख लेते हैं। ऑब्वियसली आई कैन सी अ लॉट ऑफ बटर वगैरह। अच्छा तो लग ही रहा है। करें 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। There is no chance that you will be disappointed. पता क्यों? कम्फर्ट यार, जैसे खाओगे वो चटपटा मसाला, मक्खन का फ्लेवर, ऊपर से वो मैरिनेशन, एब्सोल्युटली स्टनिंग। दिल खुश कर दिया, सही बता रहा हूँ, आपको मजा आएगा। एंड 10 पीसेज वो 150 रुपीज जायज है। अगली आइटम है मलाई टिक्का। ओह ये बहुत मसी है यार, बहुत क्रीम डाली थी, हाथ बड़ा खुला है क्रीम को लेके, दैट ऑब्वियसली आपने भी देखा ही था। कैसे मलाई टिक्का देख लो। ओह मैन, आए इसको तो
अगर कोई बाहर से आके यहाँ का खाए ना दिमाग घूम जाए, कितना फ्लेवर सब कितने फ्लेवर्स, क्रीम, मक्खन, धनिया, आई बोनलेस, मलाई टिक्के की मैरिनेशन, इतना फ्लेवर सब थोड़ा नहीं आता। सच बताऊँ इन दोनों में से ना फॉर मी मलाई टिक्का वेंस। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि मुझे ना ज़्यादा मछली खाना पसंद नहीं है, पर जिस तरह से बनाते हैं ना यार वो मसाले मसूले डाल के और क्रीम, यू कैन नॉट निगलेक्ट द फैक्ट कि कमाल है। एनीवे इन्होंने ना हमें मलाई तंगड़ी भी दे दी थी जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में, तो उन्हें सर्व कर दी। शक्ल देखो ज़रा आगे, ये है जी पूरा 40 रुपये की एक तंगड़ी, विच मीन्स अगर आप हाफ प्लेट ले तो 80 का, रीजनेबल है यार। आजकल बेकरीज में जाओ ना वहाँ भी चिकन लेग्स वगैरह पड़ी होती है काउंटर के अंदर जो फ्रेश नहीं होती, वो 70-70 रुपये की होती है यार। बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, जैसे मलाई टिक्का वैसे है यार। अच्छी बात यह है इसमें बस कि पीस का साइज अच्छा है, कई लोग लेग्स के नाम पे ना वो छोटी तंगड़ियाँ मंगा लेते हैं, मज़ा नहीं आता। इनके केस में ना लेग का पूरा साइज ये है, देख रहे हो जी। वाह, अब बारी है जी चिकन तंगड़ी की, मगर साथ ही बढ़िया ना है, साथ ही रखिए ना, मैं खा लें यार। ओके चिकन रोल, वाह सारे गिर लेना भाई, क्या तो ये देख लो जी, अच्छे से ट्राई करें इसको, फोड़ दे कॉलेज में। देखो क्योंकि मैरिनेशन एक है, चाहे वो टिक्के की हो चाहे वो मलाई टिक्के की मलाई तंगड़ी के साथ हो, मैरिनेशन सबकी एक ही है, पर खाने का मज़ा फिर भी आता है। अच्छी बात यह कि बोनलेस में भी थाई बोनलेस है और लेग तो लेग है ही, और ये थाई बोनलेस तो बड़े जूसी होते हैं। अब लोग बोलेंगे इतनी तारीफ भी कर रहे हो, अगर ट्राई तो करो। तो वैसे ही वेस्ट दिल्ली का खाना ना मजाक नहीं है, हर बार बोलता हूँ वेस्ट दिल्ली खाना ना सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ईमान है यार। अब आ रही है मच्छी की, ये फ्राई हुई है और ये ग्रिल हुई है, देखना ये विच इज़ बेटर। ओह पहले खाते ग्रिल वाली, शक्ल देख लेना, दिख गई जी शक्ल, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। ओके रोस्टेड है ना, हल्की ड्राई है बट फिर भी अच्छी लग रही है। ड्राई बोले तो जब फिश तंदूर होती है ना देयर लॉट ऑफ चांसेस कि हल्की ड्राई हो जाती है, बट अदरवाइज यू विल एंजॉय इट इज ओनली बिकॉज मच्छी है, सुरमई का अपने आप इतना बढ़िया फ्लेवर होता है ना, क्योंकि तो मेरे को चिकन ज़्यादा बेटर लगा अब तक। हमारी इसकी फ्राइड फिश ये तो फॉर श्योर अच्छी हो गया, तली हुई फिश किसको पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही खा रहा हूँ, दिखा नहीं रहा आप लोगों को। देखो ये तो फैक्ट है कि उससे ज़्यादा बेटर है जो हमारी ग्रिल वाली फिश थी, उसका रीज़न ये है कि जूसी है। दूसरी चीज़ ये है बहुत अच्छी भी लग रही है, स्ट्रीट फूड पे सुरमई मिलना एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 200 रुपीज़, सही बताऊँ आप रॉ लेने जाओगे ना कोई भी डिसेंट शॉप से तो 800-900 हज़ार रुपये किलो मिलती है सुरमई, और मैं सच बता रहा हूँ ये देने 200 रुपये की 250 ग्राम, बिल्कुल मंडी जाता होगा माल, बट A1 क्वालिटी यार। इन टोटैलिटी ट्राई करना कि आप खुश जाओगे, द प्राइस यू पेइंग फॉर द क्वालिटी यू गेटिंग, एंड जैसे मैंने वो कहा था ना 6 बजे के बाद तो मज़ा आ जाए शाम को, वो आपको पता ही है मैं क्यों कह रहा हूँ। इतना खाना खाता हूँ बाकी पक रहा था, फिर आपसे मिलता। हाँ जी खा लिया, मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा सब कुछ, ठीक है। हल्की सी फिश ड्राई हो गई थी तंदूरी वाली, बाकी सब A1 था, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच यार, आपको इसकी भी शिकायत दे देंगे। अच्छा चलो पक्का, थैंक यू ब्रदर। हे गाइस व्हाट अ वंडरफुल मील यार, दिल खुश हुआ, चिकन मलाई टिक्का पूरा खा लिया, सिर्फ एक फीडबैक दिया था वो चिकन फिश हल्की सी ड्राई हो गई थी, उसका ध्यान रखें, हल्का सा कम ग्रिल करें, बाकी सब परफेक्ट है, मतलब फॉर द प्राइस पॉइंट एंड फॉर द वे दे सर्विंग अमेजिंग यार, गुड स्टफ। हाँ नरेंद्र चिकन एंड फिश पॉइंट सुभाष नगर है बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन एड्रेस प्राइसिंग कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स होंगी, ना मिले फ़ोन करके परेशान करना, पहुंचना ट्राई द फूड एंड लीव अ कमेंट। और कुछ बताना है कुछ नहीं बताना, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विल ग्रो, इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा व्लॉग्स देखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए, दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।